नरसिंहगढ़ बस स्टैंड, मुख्य बाजार सहित स्टेडियम मार्ग पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु प्रशासन की अतिक्रमण मुहिम दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान जहां छतरी चौराहे के आसपास सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया गया, तो वहीं दुकानों के सामने पक्के निर्माण को भी जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया। इस दौरान प्रशासन ने छतरी चौराहे से रेस्ट हाउस के बीच सड़कों पर स्टॉपर लगाकर मार्ग को दोहरा कर दिया। इस व्यवस्था के चलते मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था खासी सुगम हो गई। उल्लेखनीय है कि शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण की मुहिम की शुरुआत की है। भैंसा टोल से छतरी चौराहे तक बड़ी बसों के कारण लगने वाले जाम की वजह से प्रशासन ने बसों के रूट में परिवर्तन करते हुए शहर में अंदर आने वाले बसों को शांति धाम मार्ग से अंदर लाने के निर्देश दिए। वहीं स्टेडियम मार्ग से केवल बसों के बाहर जाने की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने इस परिवर्तन के पूर्व बस संचालकों को भी मामले की सूचना दे दी थी, जिसके चलते कई बस संचालक परिवर्तित रूट से ही अपने वाहनों को अंदर लेकर आए।